फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड मी। आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप लोगों को वीडियो का टाइटल पढ़ के समझ आ ही गया होगा। तो गाइस, लेट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हम सभी का पिंपल्स और डार्क सर्कल का ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं और हम में से हर कोई इस प्रोडक्ट को एक ना एक बार अपने लाइफ में यूज किए रहेंगे, जो कि है बोरोलिन। पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए बोरोलिन काफी फायदेमंद है। अगर आप बोरोलिन को अपने पिंपल्स पे 2 से 3 दिन रेगुलर अप्लाई करें, तो आपका पिंपल्स गायब हो जाएगा और पिंपल्स से हुए जो स्कार्स है वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। अब आते हैं डार्क सर्कल्स के ऊपर। रोज रात को सोने से पहले अपने अंडर आई पे बोरोलिन को अप्लाई करके सोया करें। इसके रेगुलर यूज से आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाएंगे। अभी आइए जान लेते हैं बोरोलिन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो हमारा पहला बेनिफिट है वो है, ये एक एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम है, जो कि हम सभी जानते हैं। जो हमारा दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि बोरोलिन के लगाने के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो हमारा तीसरा बेनिफिट है वो है कि अगर हमारे शरीर में कोई कट या फिर कोई घाव हो, तो बोरोलिन के रेगुलर इस्तेमाल से हमारा जो घाव है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जो हमारा चौथा बेनिफिट है वो है कि अगर हमारे स्किन में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई रैशेस हो, तो बोरोलिन लगाने से वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई ऑपरेशन के स्टिचेस हो, आप उस पे भी बोरोलिन का यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्टिचेस है वो बहुत जल्द भर जाएगा। जो हमारा फिफ्थ बेनिफिट है वो है, सर्दियों में अगर हम बोरोलिन का रेगुलर यूज करें अपने फेस पे, अपने लिप्स पे या फिर अपने एल्बो पे, तो ये आपके स्किन को सॉफ्ट करने में बहुत हद तक हेल्प करेगी। जो हमारा सिक्स्थ बेनिफिट है वो है, अगर हम रात को सोने से पहले अपने पूरे चेहरे पे बोरोलिन अप्लाई करके सोए और अगले दिन सुबह को हम उसे अच्छे से धो ले, ऐसा रेगुलर करने से अगर आपके फेस में सन टैन हुआ है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जो हमारा सातवां बेनिफिट है वो है, बोरोलिन बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाती है। जो हमारा आठवां बेनिफिट है वो है, बेबीज को हर दिन नैपीज पहनाने की वजह से जो रैशेस हो जाते हैं उसे भी ठीक करने में बोरोलिन काफी हद तक हेल्प करती है। जो हमारा नाइन्थ बेनिफिट है वो ये है कि बोरोलिन के रेगुलर यूज करने से हमारे फेस पे जितने भी पिंपल्स हैं, पिंपल स्कार्स हैं और ब्लेमिशेस हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। जो हमारा 10th बेनिफिट है और जो लास्ट बेनिफिट है वो है कि बोरोलिन एक परफेक्ट नाइट क्रीम है। इसे नाइट क्रीम की तरह यूज करने से हमारे स्किन में जो ड्राइनेस एंड रफनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रातों रात ठीक हो जाती है। बोरोलिन लगाने के फायदे हम सब जान चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं इसको लगाने से पहले किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारा पहला प्रिकॉशन है वो है, अगर हमारा कोई गहरा घाव हुआ है तो उस पे हमें बोरोलिन का अप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवानी चाहिए। जो हमारा दूसरा प्रिकॉशन है वो है, किसी जानवर के काटने पे उस जगह आप बोरोलिन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो हमारा तीसरा प्रिकॉशन है वो है, अगर आपके शरीर का कोई पार्ट आग के कारण बहुत ज्यादा जल जाए, उस केस में आप बोरोलिन का इस्तेमाल ना करें। जो हमारा चौथा प्रिकॉशन है वो ये है, आप बोरोलिन
को अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो ले। जो हमारा फिफ्थ प्रिकॉशन है वो ये है, खासकर गर्मियों के दिन में आप बोरोलिन का इस्तेमाल किसी भी चीज पे बहुत ही कम अमाउंट में कीजिएगा। ज्यादा अमाउंट में बोरोलिन लगाने से वो आपके घाव को और भी ज्यादा नरम कर देगा, इससे आपके घाव को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जो हमारा सिक्स प्रिकॉशन है वो है कि आप बोरोलिन का हमेशा एक्सटर्नल यूज ही करें, इसे कभी भी अपने आंख, नाक और मुंह के अंदर जाने ना दे, इस चीज का जरूर ख्याल रखें। जो हमारा सेवेंथ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वो है, आप बोरोलिन को कभी भी दिन के टाइम ना अप्लाई करें और बोरोलिन को अप्लाई करके दिन के समय कभी भी बाहर ना निकले, इससे आपका जो स्किन है वो धूप के कारण और भी ज्यादा जल जाएगा, दैट मीन्स सन बर्न हो सकती है। इसे आप हमेशा रात को सोने से पहले अप्लाई करें और सुबह उठने के बाद तुरंत आप इसे धो ले। ऐसा करने से आपको ग्लोइंग स्किन और अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे आज के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और गाइस, मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी थी कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलर तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ गाइस, मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।